तो इसमें जो फ्रेश मीट का आप लोगों को बुलाने का कारण है, आने वाला इलेक्शन अप्रैल 1 तारीख का जो होगा, उसमें मीडिया का तरफ से, मीडिया का थ्रू से दिमाग हसाओ का जितना भी जनता है, उसको आने वाला इलेक्शन में सब शांति से इलेक्शन कैंपिंग करिए और वोट डालिए। और मीडिया का माध्यम से तरफ से हम एक दो बात खिलाफ करने मांगता है। इन जो अभी कुछ इलेक्शन कैंपिंग चल रहे हैं, उसमें ऑपोजिशन पार्टी का लोग कुछ कुछ हम लोग का ऊपर में, पार्टी का ऊपर में बोलता है, उसमें हम क्लियर पे करने मांगता है। क्योंकि पंचायती राज, जो पंचायती राज का बारे में जो अभी कांग्रेस का पार्टी लोग ने बीजेपी पार्टी को ब्लेम देता है, लेकिन ये है कांग्रेस का जो पार्टी ने जो ब्लेम दिया है वो लोग ही किया है पंचायती राज। क्योंकि हम लोग ऐसे हवा में नहीं बोलता, और बीजेपी पार्टी झूठ नहीं बोलता है, और स्पेशली देवलाल गौड़ा साहब भी झूठ नहीं बोलता है। क्योंकि पंचायती राज जो 2009 से लेके 2012 उस टाइम में कांग्रेस सरकार था, देवजीत थाउसेन सीएम था, और 2012 में वो लोग सेशन में ईसी में पास करके गवर्नर को देने वाला डॉक्यूमेंट्स भी है, और टेलीग्राफ पेपर में भी है, और सेशन में पास करने वाला, पास करके गवर्नर साहब को भेजने वाला भी था। उस टाइम में जीबी फाटने गवर्नर था, ये पूरा डॉक्यूमेंट्स है, टेलीग्राफ पेपर में भी निकला है। और उस टाइम में इसी में वो लोग सेशन में पास करके भेजने वाला भी है, इसमें 2012 में भेजा है वो लोग। उसका बाद में हम लोग पंचायती राज व गाँव पंचायत बनने नहीं देगा सोच के हम लोग 2019 में हम लोग सेशन में डिसीजन लिया, हम लोग उसको ऑब्जेक्शन करता है, हम लोग नहीं मानता है बोल के हम लोग ऑब्जेक्शन किया था। वो कागज भी हम लोग गवर्नर को पास में भेजने वाला है। और दूसरा बात है, उस टाइम में कांग्रेस का जो एमएससी, जो हपलोंग का एमएससी डेनियल लंगथसा जी ने और जयसिंह डोरंग जी ने, उस टाइम में हम लोग सेशन में इसको रिव्यू करना है, हम लोग पंचायती राज नहीं चाहिए बोल के बोलने में वो लोग सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अभी इलेक्शन कैंपिंग में बा दूर दूर गांव गांव में जाने में, लेकिन पब्लिक को बोलता है कि पंचायती राज बीजेपी लाने वाला है बोल के बोलता है ना। पंचायती राज बीजेपी सरकार लाएगा ना, हम लोग का ट्राइबल लोगों के लिए रिस्क होगा, कुछ भी होने नहीं देगा और होने भी नहीं देगा। पहले नागालैंड इश्यू में भी वो लोग वही बोला था, और हम लोग होने भी नहीं देगा। लेकिन ये कांग्रेस का मुखर्जी को जानने मांगने से फर्स्ट साल इलेक्टेड बना डाउ 2000 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस टाइम में वो क्या काम करा नहीं करा उसमें आप लोग जान लो। और फर्स्ट साल में आप लोग याद होगा, पोस्ट ऑफिस से जातिंगा 24 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसमें वो लोग पैसा 90% निकाल दिया, और हम लोग मिलने में रास्ता आधा किलोमीटर भी पक्का नहीं था। अभी हम लोग 6 करोड़ दे के अभी रास्ता बना दिया। उस टाइम में उन लोग का पैसा का वैल्यू भी ज्यादा था, सामान का दाम भी कम था, तब भी वो लोग 24 करोड़ से 80-90% पैसा निकल के रोड बनाने नहीं सका, हम लोग 6 करोड़ में बनाया। और आप लोग कोरिया रास्ता तो गया ही होगा, हाँ कोरिया रास्ता भी बनाया ना, ड्यूंग से लोअर हाफलोंग टॉप। इसलिए उसका प्रेस मीट में हम जो बात बोलने वाला, निर्मल नकासा बात तो ठीक ही है वो बोलने वाला, अनएम्प्लॉई का इम्पोर्टेंट है और सिक्स सीटर का इम्पोर्टेंट है, बाकी रोड कम्युनिटी हॉल इतना जरूरी नहीं बोलता। बात तो ठीक है, जरूरी नहीं बोल के वो जाटिंग का रास्ता भी नहीं बनाया होगा और दाउतो हजार का रास्ता भी नहीं बनाया होगा मेरा हिसाब में तो। इसलिए हम सोचने में यही मिलता है, और हम कुछ चिंता नहीं है। अभी ट्राइबल लीगन के लिए सबसे डर कांग्रेस पार्टी को, निर्मल अजमोल को डर है हम लोग, क्योंकि स्टेट में कांग्रेस और अजमोल अलायंस हुआ कि नहीं हुआ एयूडीएफ, तो यहाँ पे भी निर्मल तो कांग्रेस का ही है, तो अजमोल निर्मल एक साथ हो गया, लेकिन ट्राइबल लोगों को लिए वोट उल्लू का कांग्रेस को डालने से हम लोग के लिए रिक्स है, और ट्राइबल ही नहीं दिमाग हसों में जितना लोग है रिक्स है। क्यों? क्योंकि देखो एक समय में सीएबी दिमाग हसों में लागू नहीं होगा बोल के सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्लियर कर दिया, और हुआ भी नहीं लागू दिमाग हसों में। तो भी उस टाइम में कांग्रेस का जो ले रही धारणा में, तो उस टाइम में लाल फील्ड से जो काउंसिल लुटा रही टॉप निकालने में, तो कांग्रेस का कुछ नेता लोग 40-50 आदमी निकला, उसको बाद में बाहर का जो टोपी वाला लोग, लुंगी वाला लोग लगा के 200 जैसे निकाल के गो बैक नरेंद्र मोदी जी, गो बैक सर्वानंद सोनोवाल जी, गो बैक देवलाल गौड़ा साहब को बोलने वाला किसने ठकर दिया है। तो इसलिए
रिक्स तो निर्मल अजमोल का रिक्स है जिमा हसाव ट्राइबल लोन के लिए शिक्षित नहीं आता। आप लोग देखिए अगर यहाँ का दिमा हसाओ का अनएम्प्लॉई इलेक्शन टाइम में खाली रजिस्ट्रेशन करने से अनएम्प्लॉई सॉल्व नहीं होता है। हम लोग जो अभी काम करा है लुंकू पावर प्रोजेक्ट में ऐसा माफी हम लोग एग्रीमेंट किया है उसमें जितना भी जॉब निकलेगा 80% दिमा हसाओ का लोग मिलना है बोल के हम लोग एग्रीमेंट किया। हम लोग जैसा नेपको में कांग्रेस लोगों करने से आज का दिन में दिमा हसाओ का लोग कम से कम 1000 जैसे जॉब करने मिलता रहा। तो उस टाइम में तो लोग सरकार में था रूलिंग में था हाँ मिनिस्टर था सीएम था इसलिए अनएम्प्लॉय याद नहीं था। फर्स्ट साल में क्या हम लोग को फर्स्ट में मिशन है क्या अनएम्प्लॉय बढ़ाने के लिए आगे से होके आया ना हाँ। लेकिन फर्स्ट साल में वो लोग जो से आगे जैसे अनएम्प्लॉय को यूथ बढ़ाया उसको हम लोग फर्स्ट साल में भी बहुत कमती कराया। हम लोग कोई को गाँव गाँव में ठमुल गच्छी लगा के दिया कोई को नौकरी दिया है कोई कोई का बिजनेस में सेटल किया है हम लोग ऐसा करा है। तो इसलिए इस पर इलेक्शन दूसरा लोग जो भी बोलो पब्लिक जाग गया है शिक्षित दिल खराब ये खराब रिक्स में है बोलने वाला उल्लू का मुद्दा है उल्लू का इश्यू है। बीजेपी पार्टी शिक्षित दिल ट्राइबल को कोई किसी को खराब नहीं सोचता अच्छा के लिए सोचता है। अगर खराब सोचने से इतना डेवलपमेंट पैकेज देता रहा अगर खराब सोचने से वीर समुद्र पंगो फ्रीडम फाइटर रिकॉग्नाइज करता रहा नहीं करता रहा। तो इसलिए शिक्षित दिल के बारे में हम इतना बात भी करने नहीं मांगता लेकिन उल्लू का इश्यू है हम लोग का इश्यू वो नहीं है। हमारा इश्यू है जो दिमा हसाओ का कुछ लोग कांग्रेस तो देखिए हर इलेक्शन में हाँ कांग्रेस हर इलेक्शन में जब इलेक्शन हारता जब रूलिंग में नहीं होता 244 आर्टिकल देखो स्टेट लेगा ये लेगा बोलता है इशू वही है बाकी कुछ नहीं करता है। ये बीच में हम आप लोग का प्रेस में न्यूज में देखा है निर्मल लंकासा जी को हम एक आप लोग का तरफ से हम पूछने मांगता है। निर्मल लंकासा जी ने एक प्रेस मीट में बोला है दिमा हसाओ का लोग अभी बहुत खुश नसीब में है बोला है क्यों उन्हें से इलेक्शन का मैनोफेस्टो बनाने में मेंबर बनने मिला बोलता है हाँ। लेकिन बीजेपी का जो इलेक्शन मैनोफेस्टो बनाया जो एग्रीकल्चर गेस्ट हाउस में ऑल एफेक्ट्स बॉडी ऑल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को बुलाई के सब मेंबर बन के हम लोग का ऑनरेबल एमपी कामाख्या प्रसाद ठाकुर बना के मैनोफेस्टो हम लोग बनाया हाँ। लेकिन और एक बात हम निर्मल लंकासा जी को पूछने मांगता है इलेक्शन मैनोफेस्टो का मेंबर दिमा हसाओ से फर्स्ट टाइम बनने मिला बोल के बहुत खुश नसीब है बोलता। अरे दिमा हसाओ का लोग दिमा हसाओ का जनता आपका पिताजी को हम लोग भी वोट डाल के कितना बार एमएलए बनाया काउंटिंग में हम मालूम नहीं है मिनिस्टर बनाया इच्छेदी मिनिस्टर बनाया उसको बाद में फॉरेस्ट मिनिस्टर बनाया वेटनरी मिनिस्टर बनाया हाँ मेडिकल हेल्थ मिनिस्टर बनाया। लेकिन वो बड़ा है ना इलेक्शन मैनिफेस्टो का मेंबर बड़ा है आप लोग बताओ तो निर्मल जी बताओ ना वो दिमा हसाओ का जनता कैबिनेट मिनिस्टर बना के दिया आपको हाँ 35 years आप लोग का हाथ में था दिमा हसाओ उसको याद करना चाहिए था। अभी वो अपोजिशन में है बोल के मैनिफेस्टो का मेंबर बनने मिलने में बहुत खुश नसीब है बोलता है। इसलिए हम उसका बात इतना वैल्यू नहीं रखता। कांग्रेस वाला लोग इस बार एमपी से भी खराब दिमा हसाओ में वोट मार्जिन प्रबंध वाली से एजीबी से रिजाइन दिया देने के बाद में भी प्रेस से बात करने के वो भी बोला जो बीजेपी के हाथ में सिक्स शेड्यूल सेफ नहीं है बोला क्या बीजेपी गवर्नमेंट का हाथ में है हाँ सिक्स शेड्यूल सेफ नहीं है हाँ मतलब अनसेफ आया गया और आपको कांग्रेस लोग तो बोलते ही है मतलब वो लोग बोला को एचईडी डिपार्टमेंट को बीजेपी गवर्नमेंट से डाइल्यूट करने मांगा रहा बोला उसको लेके आप क्या बोलेगा। देखो एचईडी डिपार्टमेंट को डाइल्यूट करने मांगा नहीं मांगा पहले डॉक्यूमेंट्स दिखाओ इलेक्शन समय में हवा में बोलने से नहीं होगा क्योंकि प्रखंड वारिशा हो बा अलग अलग पार्टी का लीडर लोगों के पहले वो लोग का 96-97 में क्या स्लोगन था नो स्टेट नो रेस यही होता ना ऑटोनोमस स्टेट चाहिए हम लोग ऑटोनोमस स्टेट लाएगा बोला था ना पब्लिक वोट दिया कि नहीं दिया उस टाइम में सभी दिया। लेकिन अभी गांव में रेस कर रहे कांग्रेस में जाके रेस कर रहे लोग सब समरजीत बोलो महेंद्र खेमप्राय बोलो महेंद्र नुनिशा बोलो और बाकी मायानन खेमप्राय बोलो और कुछ नेठा लोग क्या कांग्रेस में जाके रेस कर रहे अभी बोलते हैं शिक्षित दिल खराब होने वाला है वह ऑटोनोमस स्टेट खराब माने रिक्स में है बोल के वोट डालेगा पब्लिक दिमा हसाओ का जनता
उर्वोक नहीं है। दिमाग हंसा होगा, जनता को उर्वोक बनाने के लिए कोशिश मत करिए, क्योंकि सास बोल के डेवलपमेंट करके पब्लिक अच्छा पाता है, पब्लिक वोट डालता है। इसलिए सिख शेड्यूल का बारे में, ट्राइबल का बारे में हम दिल से बोलता, नरेंद्र मोदी जी जो है, सर्वानंद सोनोवाल जी है, हेमंत बिश्व शर्मा जी है, कोई सिख शेड्यूल का, ट्राइबल का और दिमाग हंसो में जितना लोग है, ट्राइबल नॉन ट्राइबल, कोई खराब नहीं होगा, कोई रिक्स में नहीं होगा। आप लोग देखिए 2016 में क्या था दिमाग हंसो में, कुछ भी नहीं बसा। हम लोग खाली नियम में हाई सीएम बन सकता, ईएम बन सकता, एमएलए बन सकता, वही शीर्ष भाषा हम लोगों का। एक कम्युनिटी का एक कम्युनिटी विश्वास नहीं है, एक कम्युनिटी का एक कम्युनिटी जाना आना नहीं होता है। उसका समय, उस समय में कौन करा है? कांग्रेस था ना उस समय में, तो 2016 का पहले आसाम में वो लोग ने किया है। अभी सब कुछ एक कम्युनिटी का एक कम्युनिटी विश्वास, डेवलपमेंट स्पेशल पैकेज का हर एरिया में हम लोग कर रहे हैं। इसलिए ट्राइबल गुण के लिए अच्छा करने वाला तो हम लोग का बीजेपी पार्टी है बोल के हम हिम्मत से बोल सकते हैं। क्योंकि देखो वीर सुमदन पोंगड़ो, वो ब्रिटिश लोगों का हाथ से मरा है, ब्रिटिश लोगों से उनको मारा है। उनको जो 96-97 में हम लोग दिमाशा स्टूडेंट यूनियन ने डिमांड करके स्टेच्यू लगाया था, उस टाइम में कांग्रेस का नेता लोग, लीडर लोग चोर है, डकैत है, सुमदन पोंगड़ो, वीर सुमदन पोंगड़ो को ऐसा बोला था वो लोग। लेकिन आज का दिन में बीजेपी पार्टी उसको फ्रीडम फाइटर रिकॉग्नाइज करके हम लोग का भारत का प्रेसिडेंट नवमी बोराक में रामनाथ कोविंद जी ने हम लोग का वीर सुमदन पोंगड़ो का नाम लिया है, वही बीजेपी है। क्या सुमदन पोंगड़ो ट्राइबल नहीं है? सुमदन पोंगड़ो क्या दिमाशा नहीं है? उस टाइम में इतना साल कांग्रेस क्या करके रखा? तो आप भी फर्स्ट टाइम दिमाग हंसाओ को, ट्राइबल को माया करके फर्स्ट टाइम दिमाग हंसाओ ऑटोनोमस काउंसिल को पैसा देने वाला नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, डेवलपमेंट पैकेज सर्वानंद सोनोवाल जी ने दिया है, डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी ने दिया है। इसलिए इस बार इलेक्शन में हम लोग डेवलपमेंट को हम लोग काम करने में अच्छा लगने से वोट डालिए, अगर डेवलपमेंट को अच्छा नहीं लगने से वोट मत डालिए, वही है। क्योंकि निर्मल जी ने खुद बताया रोड, कम्युनिटी हॉल, पानी बना के इतना इम्पोर्टेंट नहीं बोलता है। वो लोग बोलता है अनएम्प्लॉई का सॉल्व होना चाहिए, सिक्स शेड्यूल रिक्स ही बोलता है। सिक्स शेड्यूल देखो पहले भी था, अभी भी है, फ्यूचर में भी रहेगा, क्योंकि हम लोग इलेक्शन आने से सिक्स शेड्यूल को याद नहीं आता, इलेक्शन आने से अनएम्प्लॉई है, और बाकी कुछ कुछ बोल सकता। लेकिन हम लोग का आने वाला एमएलए इलेक्शन में हम लोग उनका एमपी से भी ज्यादा वोट परसेंटेज मार्जिन हम लोग मिलेगा, 80,000 प्लस मिलेगा ऐसे लग रहा है। क्योंकि हम लोग एक विश्वास आ गया, हम लोग आगे में बीजेपी बोलने से कुछ कुछ लोग हम लोग को खाली हिंदू को सोचता रहा, लेकिन हम लोग हिंदू के लिए नहीं, हिंदू के लिए भी है लेकिन दूसरा का खराब करने के लिए भी नहीं है हम लोग, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हम लोग दिलाया है। हाँ, खाली मुख में नहीं, डेवलपमेंट में, हर शीर्ष में आप लोग देखिए दिमाग हंसाओ में। तो इसलिए हम मीडिया का तरफ से आप लोग उनका दिमाग हंसाओ में शांति से इलेक्शन होने के लिए अपील करता है। थैंक यू। और कुछ पूछना है? कैंडिडेट मालूम होगा, ये बीच में हो जाएगा, लेकिन हम लोग जो जो मैनिफेस्टो में लिखना था लिख दिया, और जो जो करना था कर दिया। लेकिन एक दो बात तो हम भी मालूम है, हम लोग का मैनिफेस्टो इलेक्शन में इस बार दिमाग हंसाओ का टूरिज्म के लिए, हाँ वो भी है, और आप लोगों के लिए हम लोग पानी का काम करना शुरू कर दिया, और वही सब है। और दिमाग हंसाओ का जो टूरिज्म के लिए बहुत हम लोगों का स्कोप है, तो इसलिए वही सब ही है। और हाँ, रोल लेवल में जो दिमाग हंसाओ में हम लोग पूरा करेगा बोल के वो है, अच्छा अच्छा है, वो निकल जाएगा एक दो दिन में। सर, डेनियल लंगथसर ने जब लाइव किया, उसने बोला कि पहले में जब कांग्रेस बैठा सेम ही अलग आदमी था, तो अभी क्या उसने क्या बोला कि अगर नया आदमी बैठेगा तो उसमें बोला नया चेंज करने लग सकेगा, बोला क्या माने हम नहीं समझा क्वेश्चन। उसका नाम लाए नाय इसका खम्बा है बुरेश पुंगीबिंस ने दोहा बुंश के चांस मना। देखो मुर्गी जितना भी दूसरा जगह में लेके जाओ, मुर्गी बच्चा तो मुर्गी जन्म होगा, तो कांग्रेस में बैठने से तो कांग्रेस से ही सोच विचार तो वही होगा ना। तो इसलिए हमको एक बार सांस दो, उसको एक बार सांस दो। अरे दिमाग हंसाओ का आदमी, दिमाग हंसाओ का आदमी, भारत का देश का आदमी 55 ईयर 60 ईयर सांस दिया है। अभी दिमाग हंसाओ का लोग कभी भी सांस नहीं देगा है, क्योंकि वो लोग जो काम करके जा रहा है बहुत खराब काम कर रहा है। अभी निर्मल आजमल एक साथ नहीं होने से भी एक बात था, हाँ अरे अजमोल और निर्मोल एक साथ होने के लिए कोई कांग्रेस और यूडीएफ बैलेंस होके पूरा आसाम में खराब रिजल्ट होगा उनका।
फील करने मांगता है। डेनियल लंगथसर जो भी बोलो उसका जैसे हम नहीं है, उसका जैसे तो हम तो हैंडसम भी नहीं है, हाँ उसका जैसा हम तो अपना आपको रेट भी बता नहीं सकता। वो तो ये बीच में तो हम सुनने में मिला अपना आपको फर्स्ट करोड़ में खरीद सकता बोल के वो तो रेट भी बताया। देखो दूसरा लोग जैसे सोचता हमारे पास में इतना पैसा भी नहीं है, डेनियल लंगथसर को हम मांगना भी नहीं लगा और फर्स्ट करोड़ का उसका रेट भी मालूम हो गया दूसरा लोग, लेकिन हम तो इतना मालूम नहीं उसका। हम उसका बदले में डेनियल लंगथसर का फर्स्ट करोड़ देने का बाद में हमारा कॉन्शियंस में स्कूल बना सकेगा, रास्ता बनाने सकेगा, गाँव वालों बहुत तकलीफ में है, पानी पिलाने सकेगा। डेनियल लंगथसर का फर्स्ट करोड़ में हम क्या खरीदने के, वो जितना भी रेट बोलो ना 2 करोड़ से भी नहीं लगेगा, 1 करोड़ से भी नहीं लगेगा। वो खेना बेसा अभी खत्म आगे में 2019 से खेना बेसा खत्म आगे में। तो कांग्रेस सरकार में तो इधर जाओ एमएससी लोग 10 लाख, इधर आओ 20 लाख, वही सोचता है वो, उसका अभी दिमाग हसन कुछ वैल्यू नहीं। तो इसलिए डेनियल लंगथसर बोलो जो भी बोलो वो बीच में कल परसों रैली करा जुमरा में, इसको आसान उसका वो खुद बोला है हम लोग हारेगा बोल के, कैसे ऑपोजिशन में रहने भी सीखो बोलता हम लोग। अरे बीजेपी सरकार तो अब भी सरकार बना, हम लोग ऑपोजिशन बन के आया, नरेंद्र मोदी जी सेंट्रल में भी और दिमा हसन में भी हम लोग तो ऑपोजिशन बन के आया। अभी वो खुद नहीं स्वीकार कर दिया कारो जुमरा का रैली में हम लोग तो ऑपोजिशन में बैठा है बोलता है, और हफलों में वो ऑपोजिशन बैठ के काम करा बोलता है। ऑपोजिशन में बैठ के कैसे काम कर सकेगा, ऑपोजिशन में बैठ के स्पेशल पैकेज ला सकता है, ऑपोजिशन में बैठ के दिमा हसाओं के लिए रोड बड़ा ला सकता है, नहीं किया। लेकिन कुछ सेशन में क्वेश्चन करता है, हम लोग नियम से दे देता वही है, बाकी ऑपोजिशन भी रहना जरूरी है, लेकिन ऑपोजिशन नहीं रहने से तो कुछ मीडिया वालों भी उनके पास में जाके पूछने तो लगेगा ना, तो कुछ तो वही है। और अपना आपको गरीब बोलता है, लेकिन हम लोग तो देखो भाई हम लोग धोनी है, दिमा हसो को धोनी करा हम लोग, काउंसिल को भी धोनी करा। कांग्रेस का समय में 17 करोड़ रेवेन्यू, हम लोग का समय में 42 करोड़। हाँ वो लोग तो हम लोग धोनी होने से भी हम लोग तो 5 साल का धोनी है, वो लोग तो 50 साल का धोनी है। 50 साल ग्रैंडफादर पिताजी खानदान सब सरकार चला के आया, हाँ हम लोग 5 साल में काम नहीं करा होने से वो लोग 50 साल भी काम नहीं करा वो लोग। हाँ हम लोग तो 5 साल में जो करा आप लोग देखिए पब्लिक जवाब देगा, आने वाला April 1 तारीख और May 2 तारीख को रिजल्ट देगा हम लोगों को। इसलिए वही है उनका बोलता है पंचायती राज उन लोग का सपना था, उन लोग का सपना पूरा करने नहीं देगा, क्योंकि ये हम बोलने वाला नहीं, ये पूरा डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन गांव पंचायत भी बनाने के उन लोग क्या सरपंच बोलता है क्या बोलता है उन लोग मालूम होगा, उन लोग का प्रपोजल है ना, हम लोग का प्रपोजल नहीं है। इसलिए वो दिमाग हसाओ का जनता को हम क्लियरिफाई करने मांगता है, और सभी को हम अपील करता आने वाला दिन में इलेक्शन शांति से करिए, और जो 5 साल में जो हम लोग काम किया वो अच्छा काम करने से वोट डालिए, और अच्छा काम नहीं करने से वोट मत डालिए, वही है। और सभी को अपील करता है कि 1 साल में हम लोग का सरकार दिमा हसाओ में काम क्या किया गरीब लोगों के लिए और दिमा हसाओ के लिए क्या किया वो देख के वोट डालना चाहिए आने वाला April 1 तारीख को MLA इलेक्शन में, वही हम दिमा हसाओ को अपील करने मांगते हैं। थैंक यू।